नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइक्री जी कोशा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 6 मंथ की बेबी के लिए सैंडल बनाना सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं ये सैंडल कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सैंडल का सोल बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 20 चेन्स बनाएंगे। ट्वेंटी चेन्स बनाने के बाद हम टर्न करेंगे और 3 चेन स्किप करके नेक्स्ट 1 स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 15 स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट 1 स्टिच में 7 डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 15 स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके आगे हम लास्ट 1 स्टिच में 2 डबल क्रोशे करेंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। इसके सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 2 स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 6 स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 9 स्टिच में हम 1 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट 1 स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 1 स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 1 स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 1 स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे। अब इसके आगे नेक्स्ट 1 स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 1 स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 1 स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 9 स्टिच में 1 1 हाफ डबल क्रोशे। इसके आगे नेक्स्ट
6 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके आगे लास्ट 2 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे इसके आगे। इस तरीके से हमारी ये सेकेंड रो बन के तैयार हो गई है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट 4 स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट 8 स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट 7 स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके आगे हम 7 टाइम 1 स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, यही हम 7 टाइम रिपीट करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट 1 स्टिच में 2 डबल क्रोशे करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट 7 स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट 8 स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट 4 स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ते हुए धागे को कट कर देंगे और इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से और सेम ऐसे ही 1 और बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम 1 लेंगे और किसी भी स्टिच में हम क्रोशिया के हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम पिंक कलर ऐड करेंगे। इस तरीके से अब हम इस स्टोल के पूरे राउंड में स्लिप स्टिच करेंगे पिंक कलर से।
इस तरीके से हम पूरे राउंड में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम थोड़ा सा लंबा धागा छोड़कर धागे को कट कर देंगे और इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से अब हम इस सोल में 5 मार्क्स लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये 5 मार्क्स लगाए हैं। अब जो हमने ये 5 मार्क्स लगाए हैं वो इस तरीके से लगाए हैं। तो हम क्रोशिया के हुक को इस तरीके से रखेंगे सीध में, यही साइड है हमारा, तो इस तरह सीधे रखेंगे और जो सीध में जो आएगा फर्स्ट मार्क्स हमारा यहाँ पे लगेगा। फिर इसके बाद हम 15 स्टिच काउंट करके, ये सेकेंड मार्क्स है, इधर भी हम 15 स्टिच काउंट करके यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसके बाद इस साइड में भी हम 15 स्टिच काउंट करेंगे और ये वाला मार्क लगाएंगे। इस साइड भी हम 15 स्टिच काउंट करके यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर ये 9 स्टिच हैं। इस तरीके से हमने ये 5 मार्क्स लगाए हैं हील में। अब इसके बाद हम इसके आगे बनाएंगे, इसके आगे हम 24 चेन्स बनाएंगे पिंक कलर से। इसके आगे हम जो हमारी जो फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे क्रोशिया के हुक को और स्लिप स्टिच करेंगे। और 11 चेन्स बनाएंगे। 11 चेन्स बनाने के बाद हम जो हमारा सोल है तो उसमें हम इस जगह पर 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। और टर्न करेंगे और 2 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 11 स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हम जो 24 स्टिच का रिंग है ये, और उसमें नेक्स्ट 2 स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। और टर्न करेंगे और 2 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 10 स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हम जो हमारी लास्ट स्टिच रह गई है उसमें हम क्रोशिया के हुक को डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम क्रोशिया के हुक को डालेंगे। और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम टर्न करेंगे और नेक्स्ट जो इसके आगे जो 11 स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे जो रिंग है हमारी इसके नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और 8 चेन्स बनाएंगे। 8 चेन्स बनाने के बाद हम इस साइड की 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे।
और टर्न करेंगे, टू स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 8 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। और टर्न करेंगे, टू स्टिच स्किप करके नेक्स्ट सभी स्टिच में हम 1-1 सिंगल क्रोशे करेंगे। सेवन स्टिच में सिंगल क्रोशे करने के बाद जो हमारे लास्ट स्टिच है उसमें हम डालेंगे इस तरीके से और लूप इस तरीके से, फिर जो नेक्स्ट स्टिच है इस साइड की उसमें डालेंगे। इस तरीके से निकाल लेंगे, फिर टर्न करेंगे और इस साइड हम बनाएंगे इसके आगे, तो सभी स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक स्लिप स्टिच करने के बाद इस रिंग की नेक्स्ट 1 स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे और 6 चेन्स बनाएंगे। 6 चेन्स बनाने के बाद हम इस साइड की 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। और टर्न करेंगे, 2 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 6 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। वन वन सिंगल क्रोशे। अब इसके आगे इस साइड की नेक्स्ट 2 स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। और टर्न करेंगे, और 2 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 5 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। और लास्ट स्टिच में डालेंगे। और नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। और इस तरीके से करेंगे। फिर टर्न करेंगे। और हर स्टिच में हम 6 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट 1 स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे और 6 चेन्स बनाएंगे। और जैसे हमने ये वाली पट्टी बनाई है वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है।
जैसे हमने इसे बनाया था सेम वैसे ही इसे बना लिया है और नेक्स्ट वन स्टिच में स्लिप स्टिच कर ली है। अब इसके आगे हम सिक्स चेन्स बनाएंगे। और इसके आगे हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने सेम इधर बनाया है वैसे इस साइड भी बनाएंगे, जैसे इधर बना है वैसे हम इस साइड भी बना लेंगे। ये सिक्स चेन्स है, इधर भी सिक्स चेन्स, फिर ये एट चेन्स और ये इलेवन चेन्स। जैसे हमने सेम इसे बनाया है इधर साइड वैसे हम इस साइड भी बना लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड एक जैसे बना लिए हैं। अब इसके आगे हम 18 चेन्स बनाएंगे। एटीन चेन्स बनाने के बाद हम टर्न करेंगे, वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट 17 स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से अब हम थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ते हुए धागे को कट कर देंगे। अब हम इसके आगे इस तरीके से करेंगे। वैसे धागों को हम कट कर देंगे। अब हम येलो कलर का यार्न लेंगे और इस जगह पर ज्वाइंट करेंगे। और हम ये 24 स्टिच हैं, उन्हें हम 12 टाइम डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से लास्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे और नॉट बांध के धागे को कट कर देंगे। अब हम ये लाइट ग्रीन कलर का यार्न लेंगे और इस जगह ज्वाइंट करके पूरे राउंड में 24 स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके आगे हम यहाँ से 10 स्टिच काउंट करेंगे और यहाँ पर हम पिंक कलर ज्वाइन करेंगे। और 8 चेन्स बनाएंगे। और टर्न करेंगे, वन स्टिच स्किप करके 7 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ के हम धागे को कट कर देंगे और सेम जैसे इस साइड बनाया है वैसे हम इस साइड भी बना लेंगे 10 स्टिच पर। इस तरीके से हमने दोनों साइड बना लिए हैं। अब इसके बाद हम पिंक कलर से 40 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद यहां पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। और 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर अब इसके आगे हम 15 चेन्स बनाएंगे।
15 चेन्स बनाने के बाद हम इस साइड में भी ज्वाइंट करेंगे और 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हम 40 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से हमारी इस साइड भी 40 चेन्स बन गई हैं। अब हम ऐसे धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम इस जगह पर पिंक कलर ज्वाइंट करेंगे। और ये पूरी रो में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। और लास्ट में हम जो हमारी 1 स्टिच रह गई है तो उसे हम इस तरीके से करेंगे, यानी जो हमारा ये कोना है इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे इस तरीके से। फिर हम इस साइड डालेंगे। इस साइड की स्टिच है उसमें डालेंगे हम और इस तरीके से, इस तरीके से बनाएंगे। और नेक्स्ट सभी स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से यहां तक हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। और लास्ट वाली स्टिच में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। और टर्न करके हर स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहां तक हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे 19 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। यहां तक फिर इसके बाद जो जितनी स्टिच हैं इनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। जैसे इधर साइड बनाया वैसे इस साइड बनाएंगे और फिर टर्न करके हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करते हुए जैसे हमने ये साइड कोना बनाया है वैसे हम इस साइड भी बनाएंगे और यहां तक बनाएंगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ के हम धागा कट कर देंगे और धागे को नीचे साइड लाके नॉट बांध देंगे। अब हम यहां पर पिंक कलर ज्वाइन करेंगे और यहां तक सिंगल क्रोशे करेंगे। अभी कोना बनाएंगे। इस तरीके से और फिर इसके आगे हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और
इस साइड में भी कोना बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है, और यहाँ तक सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब इसके बाद हम थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ के धागे को कट कर देंगे और इस धागे को नीचे साइड ला के नॉट बांध देंगे। अब इसके आगे जो हमारा सोल का सेकंड पीस है उसे हम इस तरीके से रखेंगे और इन दोनों पीसों को ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से दोनों पीस जो हमारे सोल के हैं उन्हें ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशे करके। तो इस तरीके से हमारी खूबसूरत सी सैंडल बनके तैयार हो गई है। आपको ये सैंडल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपकी पसंद की एक और वीडियो में।